हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद द्वारा क्रमिक अनशन जारी। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर पंचायती राज सेवा परिषद जालौर के संयोजक भाणाराम बोहरा के नेतृत्व में क्रमिक अनशन आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने शुरू किया गया, जिसमें भाणाराम बोहरा, मागाराम देवासी, राम नारायण विश्नोई सहित काफी संख्या में पंचायती राजकर्मी मौजूद रहे। क्रमिक अनशन रखते हुए संगठन एवं शासन के मध्य हुए 9 बार लिखित समझौता वार्ता नहीं होने पर सरकार की हट्टाधर्मिता का विरोध कर आक्रोश जताया गया। राजस्थान सरकार के साथ में पंचायती राज सेवा परिषद द्वारा 9 बार लिखित में समझौते हुए मंत्री महोदय ने खुद के साइन है उन समझौतों पे, किंतु उन समझौतों पे आदेश जारी नहीं करने की वजह से गत 12 तारीख से पंचायती राज सेवा परिषद आंदोलनरत है। हमने 2 तारीख को सभी पंचायती राज के कार्मिक व अधिकारियों ने अपने अपने इस्तीफे विभागीय मंत्री को सौंप दिए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम आज से कर्मी कंसन पे है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पे पूरे राजस्थान में आज से तीनों संगठनों के कार्मिक व अधिकारी कर्मी कंसन पे रहेंगे और जब तक मांग हमारी नहीं मानेंगे हमारा अनशन जारी रहेगा। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।